अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। होप यू आर ऑल वेल। और आज मैं आपको बताऊंगी शिनवारी कढ़ाई की रेसिपी। ये बहुत ही डिलीशियस कढ़ाई है, आपने ज़रूर ट्राई करना। और चलें जी इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, आप इनके ऐसे ही एक पिक ले लें। सबसे पहले हमने लिया है जी मटन 2 kg, इसको आपने अच्छे तरीके से बॉयल कर लेना है। 1/3 आपने इसको कुक कर लेना है और इसकी स्टॉक यखनी आपने अलग कर लेनी है। ठीक है, ये है जी इसकी स्टॉक यखनी। इसी में हमारा सारा जो प्रोसेस चलेगा, यही पानी हम यूज़ करेंगे कुकिंग के लिए। ठीक है, फिर हमने ली हैं टोमेटोज 1 kg। 2 kg मटन के लिए 1 kg टोमेटो इनफ है। सॉल्ट 1 tablespoon, गरम मसाला पाउडर 1.5 tablespoon, ब्लैक पेपर 1.5 tablespoon, ऑयल कुकिंग के लिए, और ये ग्रीन चिलीज और जिंजर है जिसको मैंने स्लाइस फॉर्म में काट लिया है फॉर गार्निश। ठीक है, चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे मटन। मटन को आपने अच्छे से बॉयल कर लेना, 1/3 कुक कर लेना। ठीक है, हल्का सा बस हम इसको फ्राई करेंगे। मटन हमारा हल्का सा फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें डालते हैं टोमेटोस। सारे टमाटरों को आपने उल्टा करके इस तरह रख देना है। रखती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ये जो सारे टमाटर हमने रख दिए हैं, अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए लोअर फ्लेम पर रख देंगे ताकि सारे टमाटर अच्छे तरीके से कुक हो जाएँ। ऐसे करके आपके सारे छिलके उतर जाएंगे। सारे छिलके उतारती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखे, सारे छिलके उतार दिए हैं। अब आपने इस तरह टमाटरों को मैश कर लेना है। ये देखे, टमाटर भी मैश हो चुके हैं और ऑयल भी निकल आया है। अब स्पाइसेस ऐड करते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे सॉल्ट, ब्लैक पेपर, गरम मसाला पाउडर ऐड करते हैं, और इसमें डालेंगे यखनी। ठीक है, 1/3 हमारा मटन कुक है, थोड़ी सी यखनी डालेंगे जिसमें बाकी भी कुक हो जाए। ये देखिए, इतना आपने स्टॉक डाल देना है और इसको आपने कवर करके 15-20 मिनट्स के लिए रख देना है। ठीक है, और फ्लेम आपने लो रखनी है। ये देखिए, मटन हमारा अच्छे से कुक हो चुका है, अब हम इसकी करते हैं भुनाई। ये देखिए, अच्छे तरीके से भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिली और जिंजर स्लाइसेस, हाफ हम अब ऐड करेंगे और हाफ जब हम इसको डिश आउट करेंगे तब गार्निश करेंगे। ठीक है, ये देखें, इसका ऑयल भी अच्छे तरीके से निकल आया है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए लोअर फ्लेम पे कवर करके रख देंगे। ये देखिए, मज़ेदार सी शिनवारी कढ़ाई तैयार है। अब हम इसको करते हैं डिश आउट। ये है जी हमारी रेसिपी की फाइनल लुक। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को मस्त प्रेस किया करें। अल्लाह हाफिज़।